चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज नंबर 58। वैसे एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, हम अल्टरनेट डे पे ऑटो न्यूज करते थे लेकिन अब वीक में दो ही बार करने वाले हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे। दिस इज स्पेसिफिक रीजन, थर्सडे नहीं फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। क्यों? क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट डे इतने ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री में खबरें नहीं आती हैं, तो ज्यादा खबरें होती नहीं है हर रोज देने के लिए और इंटरेस्टिंग खबरें कम होती है, तो हमने कहा कि एक हफ्ते में दो बार आई थिंक इज अ गुड वन। इनफैक्ट सोच रहे थे कि एक ही बार करें हफ्ते में। आप जरूर बताएगा कि वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। अभी हमें लग रहा है कि ट्वाइस इन अ वीक करना चाहिए और इसीलिए मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे छोड़ के हम ट्यूसडे एंड फ्राइडे करने वाले हैं। जरूर बताइएगा आपको इसके बारे में क्या लगता है। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें लेके आए हूं आपके लिए। हिस्ट्री में, इंडियन कार इंडस्ट्री के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मारुति के जो सेल्स हैं उसको किसी दूसरे ब्रांड ने बीट किया है। ह्यूंडई और किया कंबाइंड अगर आप करोगे तो मई के महीने में उन्होंने ज्यादा सेल्स किए कार के एज कंपेयर टू मारुति। और ये क्यों हुआ? शायद मई में लॉकडाउन वगैरह था, उसकी वजह से हुआ है। ह्यूंडई और किया ने 36,000 के ऊपर कार्स बेचे, व्हीकल्स बेचे, वेरस 32,000 सिर्फ मारुति के बेचे गए। पहली बार, सोचो पहली बार दोस्तों। वैसे ऑटो की दुनिया की अच्छी अच्छी अपडेटेड खबरें मिलने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लाते रहते हैं, न्यूज भी और बाकी के ऑटो वीडियोस भी। जी हाँ, वैसे दोस्तों मैं पिछले कुछ महीनों से कह रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड इज गॉन वेरी वेरी एग्रेसिव। इतनी सारी अलग अलग बाइक्स लॉन्च कर रही हैं और आज जो सीईओ हैं रॉयल एनफील्ड के, विनोद दासारी, उन्होंने भी कंफर्म किया। उन्होंने ये कहा कि 2021 में हाईएस्ट नंबर ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट्स या फिर रॉयल एनफील्ड व्हीकल्स हम लॉन्च करने वाले हैं। सोचिए, ऑलरेडी बहुत सारे, कम से कम 5 या 6 बाइक्स वो लॉन्च कर चुके हैं और भी करने वाले हैं, बड़े बड़े लॉन्चेस आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल से हर साल 4 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। ओ माय गॉड, उनका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। ऑलराइट, पिछले 24 घंटे में दो बड़ी बड़ी प्रीमियम कार्स लॉन्च हुई है इंडिया में। जी हाँ, एक तो लैम्बोर्गिनी हुरकन स्पाइडर, जी हाँ ये जो है 3.5 करोड़ 3.54 करोड़ की लॉन्च हुई है। जबरदस्त है दोस्तों, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कार है एंड इसकी प्राइस 3.5 करोड़, माय गुडनेस, 0 to 100 इन 3.5 सेकेंड जाती है। और दूसरी मर्सिडीज मेबैक GLS 600, जी हाँ 4MATIC, ये जो है ये भी लॉन्च हुई है इंडिया में, कल ही लॉन्च हुई है एंड उसकी प्राइस आई हुई है कुछ 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। कौन लेता है ये गाड़ियां? आई मीन सीरियसली कितने लोग होंगे? उनका टारगेट जो होगा ये गाड़ियां बेचने का वो 10-15 ऐसे ही होगा, क्योंकि उतने ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे ऐसी गाड़ियों को। क्या लगता है आपको? यामा FZX, जी हाँ ये लॉन्च होने वाली है June 18 को, ऐसे कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है, ये रूमर है कि June 18 को लॉन्च होगा। और याद रखिए, इट इज गॉट सेम अंडरपिनिंग्स ऑफ FZ जो इनकी सीरीज है, 149cc की इंजन होने वाली है और इसकी जो स्टाइलिंग होने वाली है दोस्तों वो नियो रेट्रो स्क्रैम्बल जैसे होने वाली है। और प्राइस कहा जा रहा है कि 1.1-1.2 लाख के करीब होगी। अब ज्यादा दूर नहीं है, 8-10 दिनों में पता चल जाएगा, ऑटो न्यूज में सब कुछ जरूर बताएंगे आपको। ऑलराइट दोस्तों, स्कोडा कुशाक, जी हाँ इसका प्रोडक्शन पुणे के चाकन प्लांट में चालू हो गया है और ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, शायद जून में ही इसके बारे में सब डिटेल्स हमें पता चल जाए। वैसे आपको बता दूं कि ये 1 लीटर TSI एंड 1.5 लीटर TSI इंजन्स में आने वाला है और इसकी जो प्राइस होने वाली है, बेसिकली इट्स सब 4 मीटर SUV, तो 10 से 16 लाख तक इसकी प्राइस होने वाली है, ऐसे कहा जा रहा है। स्कोडा कुशाक, जी हाँ बहुत सारे स्पाई इमेजेस वीडियोस वगैरह आ गए हैं, लेट्स वेट फॉर द रियल वन। और दोस्तों, फॉर्च्यूनर को कंपीट करने के लिए जीप लेके आ रहा है उनका जीप ग्रैंड कमांडर। जी हाँ ये 7-सीटर की होने वाली है और इसके भी इमेजेस, स्पाई इमेजेस आ गए हैं। बहुत कैमोफ्लाज्ड है लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि ये आगे का जो पोर्शन होगा वो जीप कंपास के जैसे ही है, लेकिन अगर कंपास के साथ आप कंपेयर करते हो, इट इज लॉन्गर एंड इट इज बिगर। जी हाँ, पीछे की तरफ तो बॉक्सी डिजाइन वगैरह लग रहा है लेकिन कैमोफ्लाज की वजह से ज्यादा पता नहीं चल रहा है। बट यस, जीप कंपास के बारे में भी, सॉरी जीप ग्रैंड कमांडर के बारे में भी बहुत जल्दी बहुत कुछ पता चल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। होंडा बेंटली ई, इनके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं दोस्तों, इसके भी फोटोज वगैरह आ गए हैं और इसी साल लॉन्च होने वाले हैं, ऐसे कहा जा रहा है। सो 2021 में वैसे दोस्तों बहुत सारे ये मैक्सी स्कूटर स्टाइल्स होते हैं, ये आने वाले हैं, लेकिन फोटो के पास आप देखोगे तो ये डिलीवरीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। 60 kg पीछे लोड ले सकता है, इसीलिए एक ही सीट है और पीछे की तरफ फ्लैट है जिसकी वजह से आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकोगे अगर डिलीवरी आपको करनी है बॉक्सेस
वगैरह रखने हैं तो सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो है दोस्तों इट इज गोइंग टू बी अ बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब आने दीजिए उसके बाद में बताएंगे, बट यस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कमिंग वेरी सून। और दोस्तों दो तीन खबरें और भी आ रही हैं ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ से। एक तो फियाट ने कहा हुआ है कि वो 2030 तक सभी उनका जो फ्लीट है कार्स की वो आईसी से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक में होने वाला है। इसका मतलब बाय 2030 ऑल देयर कार्स, ऑल फियाट कार्स आर गोइंग टू गो इलेक्ट्रिक। एप्पल दोस्तों अब बात कर रहा है बहुत सारे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ। जी हाँ, एप्पल की कार आई कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है, और उसके लिए वो चाइनीज के दो या तीन BYD या ऐसी अलग अलग कंपनीज है, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ बात कर रहे हैं, हु कैन प्रोवाइड देयर बैटरीज फॉर एप्पल आई कार। और फाइनली दोस्तों कावासाकी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम भी बहुत सारा टेस्टिंग कर रहे हैं अलग अलग व्हीकल्स के ऊपर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स तो लेके ही आने वाले, साथ में हाइब्रिड एंड हाइड्रोजन पावर्ड मोटरसाइकिल्स के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। सो एवरीवन बेसिकली सभी ये जो ब्रांड्स है ग्लोबल एज वेल एज इंडियन धीरे धीरे आईसी से इंटरनल कंबशन इंजिन्स की जगह पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड यस इट इज गुड फॉर अस, इट इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। सिर्फ एक ही बात है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस कम होनी चाहिए। क्या लगता है आपको इसके बारे में? ऑलराइट दोस्तों, वक्त होता है ऑटो फैक्ट ऑफ द डे का। पोर्शे टेकैन, ये जो है दोस्तों इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। ड्रिफ्टिंग आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसने कंटिन्यूअसली 42.17 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया हुआ है। दिस वाज अ कंटिन्यूअस ड्रिफ्ट फॉर 42.17 किलोमीटर, दैट्स क्रेजी। और इसीलिए दोस्तों ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए दोस्तों, हमारी ऑटो न्यूज तो होती है खत्म, ऑटो फैक्ट भी बता दिया, अच्छी लगी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, अच्छा लगता है हमें आपके लाइक्स देख के, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है वो भी जरूर कर दीजिएगा ऐसी जबरदस्त खबरों के लिए। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ऑटो न्यूज नंबर 58 खत्म होती है इधर ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।